हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपसे अपनी एक ट्रिक शेयर कर रहा हूँ और ट्रिक रहेगी जबलपुर जिले की सीमा से लगे पड़ोसी जिलों के नाम याद करने की ट्रिक। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की जो सीमा से लगे सीमावर्ती जिले हैं, पड़ोसी जिले भी बोलते हैं, उन जिलों के नामों को हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं जबलपुर जिले के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो जबलपुर जिले की सीमा से जो लगे जिले हैं वह हैं सात। पहला है दमोह, दूसरा कटनी, तीसरा उमरिया, चौथा डिंडोरी, पांचवा मंडला, छठवा सिवनी और सातवा नरसिंहपुर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। दोस्तों आप जरूर बताएं, ट्रिक बहुत ही आसान है। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट करके भी बताएं और मेरे वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मेरे वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों से ऐसे ही आप लोगों के साथ अपनी ट्रिक शेयर करता रहता हूँ। यदि आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए देखते हैं। पहली ट्रिक है दोस्तों, मैंने इसके लिए दो ट्रिक बनाई है, आपको जो भी पसंद आए आप उसको याद कर सकते हैं। पहली ट्रिक है मंदक उड़ीसी। दो ही शब्द है, आप याद भी हो जाएगा, मंदक उड़ीसी। मंदक शब्द आप समझते हैं, केमिस्ट्री में यूज होता है मंदक, भारी जल को मंदक के रूप में लेते हैं। मंदक इससे समझ लीजिए, उड़ीसी समझ लीजिए, कोई उड़ीसा वाला व्यक्ति है उसको उड़ीसी भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए मंदक उड़ीसी। अब देखिए मंदक उड़ीसी से हम किस तरीके से नामों को हम याद करेंगे जबलपुर की सीमा से लगे। ये देखिए मंदक उड़ीसी, मां से मंडला, ना से नरसिंहपुर, दा से दमोह, का से कटनी, ऊ से उमरिया, डी से डिंडोरी और सी से सिवनी। इस शब्दों में ही पूरे सातों नाम याद हो जाएंगे आपको, सातों के साथ नाम आ गए हैं। तो ये थी पहली ट्रिक। अब देख बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। दूसरी ट्रिक ये रही उन कदम की सीढ़ी। इसमें की के लिए साइलेंट रखेंगे, इस सेंटेंस को बनाने के लिए जोड़ा है की के लिए, की साइलेंट रहेगा, यहां की का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन कदम की सीढ़ी, सीढ़ी आप समझते हैं, उन कदम की सीढ़ी हो गया। अब देखिए इससे किस तरीके से नाम बन जाएंगे। उन से बन जाएगा ऊ से उमरिया, ना से नरसिंहपुर, कदम से बन जाएगा कटनी, दा से दमोह, मां से मंडला, की को इग्नोर करेंगे साइलेंट रहेगा। सीढ़ी से बन जाएगा सिवनी और डी से डिंडोरी। उन कदम की सीढ़ी उमरिया, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह, मंडला और सिवनी और डिंडोरी। तो दोस्तों ये थी दो ट्रिक। आपको जो भी ट्रिक पसंद आई हो आप उसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये मेरी ट्रिक और वीडियो दोनों ही अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपको और भी अगले वीडियो में आपसे ट्रिक शेयर करता रहूंगा। थैंक यू।